गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर लेसन नंबर 9 अप यू गो. अब ये लेसन नंबर 9 जो था हमारा अप यू गो वो बस एंड हो जाएगा आज. तो देखिए हमने पेज नंबर 83 तक हम पढ़ चुके थे. नाउ टर्न एट पेज नंबर 84. सो टुडेज स्टोरी इज द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप. जब अब हम कैंप में बढ़िया टेंट वेंट लगाकर सो गए. ड्रेनेज भी बना लिया था हमने पानी निकलने के लिए. द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप. जैसे हम सुबह उठे नेक्स्ट मॉर्निंग एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग. और हमने देखा कि स्नोइंग हो रही है, मतलब बर्फबारी हो रही है. बहुत ज़्यादा वाइट वाइट कलर की बर्फ गिर रही है. वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नो फ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग. वाओ, बहुत ही, मतलब वो जो सीन था बहुत ही ऑसम टाइप से था कि कितनी अच्छी लग रही है बर्फ गिरने में. एकदम वाइट कलर की सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लफी जो स्नो है वो स्नोफॉल हो रही है. इट वॉज सो ब्यूटीफुल, मतलब देखने में वो काफ़ी सुंदर था, बहुत ही वंडरफुल था. ओके, द प्लांट्स द ट्रीज द ग्रास द माउंटेन्स एवरी थिंग लुकड वाइट. वहाँ पे आसपास जो भी सारी चीज़ें थी सब कुछ वाइट दिख रही थी एक्सेप्ट वाइट. मतलब वहाँ कुछ भी देखने को मिले, मतलब प्लांट्स तक ग्रीन से वाइट हो गए थे. माउंटेन्स जो थे वो भी एकदम वाइट, घास जो थी वो भी एकदम वाइट. तो मतलब पूरी तरफ सिर्फ वाइटनेस थी. ओके, एवरीथिंग लुकड वाइट. टूडे वी वर टू क्लाइम हायर. अब हम आज के दिन हमें और ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ना था, लगभग 2700 मीटर्स बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे अब इनको चढ़ना था. वी वॉक्ड केयरफुली ऑन द स्नो. हम बहुत ही ध्यान से स्नो पर चल रहे थे विद द हेल्प ऑफ स्टिक. स्टिक की मदद से हम स्नो पे काफ़ी ध्यान से चल रहे थे. इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लिपिंग. बहुत ही कठिन था उस पर चलना क्योंकि हम बार बार कॉन्स्टेंटली हम स्लिप कर रहे थे. बाय आफ्टरनून, दोपहर होते होते वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन. हम पहाड़ पहुँच चुके थे, उन पहाड़ों पर पहुँच चुके थे जो पहाड़ पूरी तरह से स्नो से ढके हुए थे. वी एंजॉयड थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर. हम सब ने बहुत इन्जॉय किया एक दूसरे की तरफ स्नो फेंक कर, है ना, बर्फ़ फेंक कर बहुत इन्जॉय किया. और हमने एक स्नोमैन भी बनाया. देखिए स्नोमैन पिक्चर पे दिख रहा है. लास्ट डे एट कैंप. अब कैंप का सबसे आखिरी दिन था, 21 फरवरी 1984. वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर. हम सब अब कैंप फायर के लिए इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि लास्ट डे था. ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम. हर ग्रुप को अपना अपना एक अलग अलग प्रोग्राम प्रेजेंट करना था सबके सामने. वी वर एंजॉइंग. हम बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत फन कर रहे थे, एक दूसरे को जोक्स बता रहे थे, हंस रहे थे, गाने गा रहे थे, डांसिंग अराउंड द कैंप फायर. कैंप फायर के चारों तरफ, कैंप फायर समझ रहे ना, जब बीच में आग रख के लकड़ियों का जला के और चारों तरफ लोग बैठते हैं, उस तरीके से लोग सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, जोक्स बता रहे हैं ना. तो इस तरीके से सब एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो लास्ट डे था कैंपिंग का. सून इट वॉज मिड नाइट. जल्दी ही रात हो गई. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की अचानक से आवाज़ आई, उन्होंने मेरा नाम लिया. आई थॉट, मैंने सोचा, ओ नो, वॉट आई हैव आई डन दिस टाइम. अब मैंने क्या कर दिया इस बार, अब मैंने जाते जाते भी कुछ गलती कर दी क्या. बट वेन सर अनाउंस्ड माई नेम. बट जैसे ही सर ने मेरा नाम अनाउंस किया, फॉर द बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड. उन्होंने मुझे किस लिए मेरा नाम अनाउंस किया, बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रुप को लीड किया था, संगीता मैडम ने. आई स्टूड स्टिल. मैं अभी भी एकदम वैसे ही खड़ी थी कि ओ माय गॉड टाइप से हो गया था कि मतलब मुझे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिलेगा, वो भी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के हाथों से. ही ब्लेस्ड मी. उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से मेरी आंखों में क्या थे, मेरी आंखों में आंसू थे मगर वो खुशी के आंसू थे. और मेरे मतलब कि आंसू जो थे वो रोल होके नीचे तक आ रहे थे. मतलब मुझे बहुत खुशी और बहुत प्राउडली, मतलब प्राउड फील कर रही थी कि मैंने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी को खुश किया. ओके, तो ये देखिए डिस्कस में दो क्वेश्चन है. व्हाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट. आपको क्या लगता है कि टेंट के चारों तरफ ड्रेनेज क्यों बनाई गई थी, क्यों, जिससे कि पानी जो है वो उन्हीं ड्रेनेज के थ्रू निकल जाए और वहाँ गंदगी इकट्ठा ना हो, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए. फिर सेकेंड क्वेश्चन है, बिसाइड माउंटेनियरिंग के अलावा वॉट अदर एक्टिविटीज़. और ऐसी और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एडवेंचरस, मतलब थोड़ा रिस्की कही जाती है, जिनको करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है बट मज़ा बहुत आता है, उसके लिए गट्स चाहिए होते, करेज चाहिए होता है, तो ऐसी कौन कौन सी हैं. तो देखिए ऐसी पैराग्लाइडिंग आपने सुना होगा, है ना, बंजी जंपिंग सुना होगा, रॉक क्लाइंबिंग सुना होगा, तो ये सब भी एडवेंचरस है माउंटेनियरिंग की जैसे ही. तो ये देखिए दो क्वेश्चंस थे हमारे, ये भी हो गए. अब इस तरीके से ये हमारा चैप्टर जो है, ये लेसन नंबर नाइन फिनिश हो चुका है. इसे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे. ओके, तो अब हम थैंक यू.